सर, डेस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रूम होता है, क्योंकि मोस्टली आप काम वहीं पे बैठ के कर रहे होते हैं, तो वीडियोस भी वहीं पे रिकॉर्ड कर रहा था, एंड कई बार एडिट करनी होती हैं एट सम टाइम, तो एक मॉनिटर की नीड होती है. सो थैंक यू, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस. अपना मैंने डेस्क सेटअप थोड़ा अपग्रेड कर लिया है, एंड इस वीडियो में हम वही अनबॉक्स करेंगे, एंड वील बी लाइक चेंजिंग आर डेस्क सेटअप पूरा, बिल्कुल नया रिवैम्प टाइप कर रहे हैं, एंड और भी काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं कुछ कुछ दिनों में. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड जल्दी से स्टार्ट कर दे. तो चलो इनको जल्दी से अनबॉक्स करना स्टार्ट करते हैं. पहले हम करते हैं छोटे वाले को, फिर हम करेंगे बड़े वाले बॉक्स को. तो यार, ये बेनक्यू की तरफ से हमारे लिए आए हैं. मेरे को बहुत दिन से मन था मॉनिटर लेने का, बट फिर मैं टाले जा रहा था. फिर बेनक्यू ने सामने से बोला कि हमारा ये कोडिंग मॉनिटर है एंड दिस इज परफेक्ट फॉर यू, सो कैन यू प्लीज रिव्यू दिस. मैंने कहा व्हाई नॉट. एंड इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और सेंड करी है, एंड दिस इज द लाइट. ये मॉनिटर के ऊपर लगने वाली लाइट है, ठीक है. इसको भी हम खोलेंगे. वो दोनों से सिर्फ टेप काट देते हैं. भाई नाखून ना बड़े होने का बड़ा नुकसान है. निकल जा. आई थिंक यही करना पड़ेगा. कर दिया हमने, काट दिया. हाँ फाइनली. वो प्रीमियम पैकेजिंग, क्विक स्टार्ट गाइड. दिस इज द लाइट जो मॉनिटर के ऊपर लगेगी. अभी इसको सेटअप करके देखेंगे. दिस इज द लाइट का स्टैंड. बाकी एक बार पढ़ना पड़ेगा हमें, लग रहा है सब कुछ. दिस इज द डायल जिसको हम अपने हिसाब से रोटेट करके उसकी मतलब वो चेंज कर सकते हैं, कूल टोन या रखना है, वार्म टोन रखना है. सो दिस इज द फुल लाइट वाला. इसको साइड रखते हैं थोड़ी देर के लिए. अब अपने मॉनिटर को खोलते हैं. भाई भारी है तो बहुत. Years later. Oh, बड़ा सा है तो भाई बहुत ज़्यादा. This is 32 inches. ये हमारा मॉनिटर का स्टैंड है. This is the monitor. And there is one more thing. जो हमने जब बेड पे निकाला तो रह गई. This is the stand जिसके ऊपर मॉनिटर लगेगा. तो इसको जल्दी से अनबॉक्स करके असेंबल कर लेते हैं. लुक्स प्रीमियम ब्रो. ये हमारा इसके साथ लग जाएगा. एंड आई थिंक इसको यहाँ से हमें टाइट करना होगा. ये हमने स्क्रू से इसको यहाँ पे टाइट कर दिया. ये तो हमारा लग गया स्टैंड. अब स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं. और ये हाइट एडजस्टेबल है जितना मेरे को समझ आ रहा है. ब्रो दिस इज हेवी. भाई मैं तो घर पे अकेला हूँ. अगर यहाँ पे आप लोग किसी के साथ हो तो ट्राई करना, कोई साथ हो जब भी अनबॉक्स करो. डिफिकल्ट है क्योंकि अनबॉक्स करना ऐसे. एंड ये हमारा मॉनिटर तो लग गया है. भाई साहब दिस इज टू गुड. हाँ दिस इज हाइट एडजस्टेबल एज इट इज़ अ कोडिंग मॉनिटर. ये हमारा वर्टिकल भी रोटेट हो जाता है, क्योंकि जनरली जितने भी कोडिंग मॉनिटर्स होते हैं जनरली वर्टिकल भी रोटेट होते हैं क्योंकि कोड अच्छे से दिखता है. इसको अपने डेस्क पे लगाते हैं एंड फिर इसके साथ लैपटॉप को कनेक्ट करके देखते हैं, एंड देन वील एड द लाइट ऑल्सो. अब इसमें एक काफ़ी बढ़िया बात यह है कि इसमें डायरेक्टली USB to USB-C है, तो डायरेक्टली एक ही पोर्ट से तुम्हारा लैपटॉप चार्ज भी हो जाएगा, एंड चार्ज होने के साथ साथ उससे कनेक्ट भी हो जाएगा. लेट अस ट्राई. एंड यस, तो एज यू कैन सी मैंने इसमें ज़्यादा मेरे को HDMI की ज़रूरत नहीं, किसी और केबल की ज़रूरत नहीं है. सीधा एक USB-C है. USB-C इसके अंदर लगा, USB-C अपने लैपटॉप में लगाई, मस्त कनेक्ट हो गया. द स्क्रीन क्वालिटी इज़ वेरी गुड एज यू कैन सी. अब इस पर हम कुछ YouTube खोल के देखते हैं. MacBook जैसी क्वालिटी है इसकी तो, एंड आई थिंक इवन बेटर. एंड पिक्सल्स बिल्कुल ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहे मेरे को. एंड इसकी हाइट इज़ ऑल्सो रियली गुड. स्क्रीन क्वालिटी इज एक्चुअली वेरी गुड. और बहुत वो है मतलब कैसे समझाऊँ, इस एंटी ग्लेयर टाइप. तो मतलब ऐसे ग्लेयर नहीं दिख रहा बिकॉज यहाँ पे एक लाइट भी लगी हुई है, उसके लाइट का रिफ्लेक्शन मेरी आंखों पे ऐसे चुभ नहीं रहा है. एंड इट्स वेरी एंटी ग्लेयर टाइप्स, बट बहुत मस्त सी लग रही है एंड बिल्कुल पिक्सेलेट नहीं हो रही. तो यार ये तुम्हारी जो स्क्रीन है दैट इज 2K एंड पिक्सल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है. मतलब व्यूइंग एंगल्स हो गए, किधर से भी देख लो इसको, थोड़ा व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं, ब्राइटनेस वगैरह बहुत अच्छी है. और इसमें ब्लू लाइट फिल्टर है इनबिल्ट,
सो हमें बस कुछ नहीं करना है, इस वाले बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर कर सकते हैं, उसको और थोड़ा सा मतलब प्लेजेंट टू द आई बना सकते हैं। प्लस इसमें एक केबल से हम पावर, ऑडियो, वीडियो सब डाल सकते हैं। 65 वॉट तक की चार्जिंग ये लाइक प्रोवाइड करता है, तो एक्स्ट्रा केबल्स की कोई जरूरत नहीं है, अपने अलग से मतलब डेस्क सेटअप में ज्यादा क्लमजी कुछ भी नहीं होगा। अलग से आप लोगों को पावर अडैप्टर की भी जरूरत नहीं है, सेम एक ही केबल से, जैसे मैंने अभी तो HDMI से कनेक्ट कर रखा था, आई कैन कनेक्ट इट विद HDMI और डायरेक्टली मैं USB-C से भी कर सकता हूँ, एक क्लिक में कनेक्ट हो जाता है, दिखा देता है इनपुट कहाँ से आ रहा है, USB-C से आ रहा है, बहुत ज़्यादा सीमलेस ट्रांजिशन है, कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आती, मस्त एकदम चल रहा है। एंड बेस्ट चीज़ ये है कि सारे डिवाइसेस को ये रिमेंबर करके रखता है, जिसमें भी लगाओगे उसका जो आपने लेआउट वगैरह बना रखा है इट विल नो एंड वो उसी लेआउट में आ जाएगा। इसमें ब्राइटनेस इंटेलिजेंस जेन 2 है। इसमें क्या होता है कि ब्राइटनेस ना अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है अपने सराउंडिंग्स को देख के, एंड आपके आई को जो बेस्ट प्लेजेंट लाइक इन्वायरमेंट पूरा रखेगा, आराम से आप देख पाओगे, कभी भी आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके साथ साथ हम इसका जो लाइक ब्लू लाइट फिल्टर है वो जैसे मैंने आपको बताया वो चेंज कर ही सकते हैं, एंड इवन ब्राइटनेस को खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन में जाके यू कैन जस्ट कंट्रोल द ब्राइटनेस, अगर कम ज़्यादा करनी है तो आप कम ज़्यादा खुद भी कर सकते हो लाइक एनी अदर मॉनिटर, बट लाइक इंटेलिजेंटली अपने आप भी चेंज करता रहता है। इसके साथ इसी के अंदर हमारे इनबिल्ट स्पीकर भी एंड माइक भी है, माइक का यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, यू कैन जस्ट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ माइक बिल्कुल एक क्लिक से, एंड यहाँ पे आपके स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, सो अलग से कोई केबल्स की जरूरत नहीं, USB-C से ही स्पीकर भी कनेक्ट हो जाता है, तो कुछ भी प्ले करोगे तो यहाँ पे भी प्ले होता रहेगा, एंड अलग से आपको स्पीकर्स रखने की आज जरूरत नहीं है, बेसिक आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा। अगर इफ़ यू वांट मोर यू कैन ऑलवेज गेट एक्सटर्नल स्पीकर्स या फिर ईयरफोन्स वगैरह हम यूज़ करते ही हैं, बट उसके अलावा दिस इज लाइक गुड टू गो। इसके साथ साथ जहाँ पे आप ये देख रहे हो इसमें आप अपने आईपैड वगैरह को लगा के रख सकते हो, एंड अगर आपको कुछ भी काम करना है, कुछ भी साथ साथ मीटिंग्स करनी है, कुछ भी देखना है तो आराम से यहाँ पे देख भी सकते हो, मतलब एक काफ़ी अच्छा एडिशन टाइप का है। यहाँ पे अपना फ़ोन भी रख सकते हो, फोन रखने के बाद साथ में अगर आपको वीडियो कॉल करते करते काम करना है वो भी कर सकते हो, तो दिस प्लेसेस फॉर दैट। एंड इट इवन कम्स विद अ कोडिंग मोड। अब कोडिंग मोड में क्या होता है, जो इसके कॉन्ट्रास्ट होते हैं, ठीक है, कलर्स होते हैं, वो ज़्यादा पॉप आउट करते हैं इन जनरल और किसी मॉनिटर से अगर हम कंपेयर करें तो, एंड प्लस एज इट इज़ अ कोडिंग मॉनिटर, सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यू कैन रोटेट इट इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक रीड कोड दिस वे, तो इसको रोटेट कर सकते हैं, एंड इसको बस कॉन्फिगर करना पड़ेगा रोटेट करके, हम कर देते हैं जल्दी से। तो एज यू कैन सी अगर हमें कोड वोड पढ़ना है और बहुत ज़्यादा कोड है हमारे पास, तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं, एक बारी में बहुत ज़्यादा दिख जाता है, तो एक कोडिंग मॉनिटर में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड मतलब सब मॉनिटर्स में ये हाइट एडजस्टेबल वाली चीज़ एंड रोटेटेबल वाली चीज़ नहीं होती, इसमें है, एंड दैट मेक्स इट वेरी लाइक यूजेबल फॉर अ कोडिंग पर्सन। अगर आप कोड वोड करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड इसको हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो, अगर आप उसको नीचे रखना चाहते हो या आई लेवल पे ज़्यादा अच्छे से आ रहा है तो यहाँ पे भी रख सकते हो इसको, अगर आई लेवल से ऊपर लेके जाना तो यहाँ पे रख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। हाइट एडजस्टेबल भी है, बहुत ज़्यादा स्लीक लुक है, जैसे आप देखोगे बेजल्स बहुत ज़्यादा ही कम है, वाइट मेरे तो सेटअप के साथ बहुत मस्त जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। इसके साथ साथ इट हैज़ अ ई पेपर मोड, तो जैसे हम पेपर पे पढ़ रहे होते हैं ना उसी टाइप की फील आती है यहाँ पे पढ़ने में भी, काफ़ी अच्छा सा फील होता है जब इसको आप मैकबुक की स्क्रीन से कंपेयर करोगे, सो इसमें वो ग्लॉसीनेस नहीं आती, इसमें बहुत वो रफनेस सी दिखती है, तो उसमें पढ़ने में ऐसा लगता है पेपर से पढ़ रहे हो, तो मेरे को वो भी काफ़ी चीज़ लगती है। लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती जैसे मैंने बताया था, बिकॉज इसकी जो टेक्सचर है वो थोड़ा मैट टाइप का है, इट्स नॉट ग्लॉसी। एंड इट हैज़ अ डेडिकेटेड मैकबुक मोड, जैसे मैंने अभी मैकबुक के साथ ही लगा रखा है, सो मैकबुक के साथ ही बहुत ज़्यादा सीमलेसली लाइक कनेक्ट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे मैकबुक का ही पार्ट है, अलग से ऐसा लग रहा है एक्सटर्नल कोई डिस्प्ले लगा रखी है, बिल्कुल एवरीथिंग यू सी बहुत ही अच्छे से मैकबुक जैसे ही लग रहा है, बिकॉज द बेजल्स आर वेरी लेस एंड जो कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा है, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा ही है। एंड यस दिस इज़ प्रीटी मच इट, अब मैं इसको थोड़े दिन और यूज़ करूँगा, फिर आई विल पोस्ट अ लॉन्ग टर्म रिव्यू अबाउट इट, अभी तो मेरे को फर्स्ट इंप्रेशंस तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, लाइक इट विल फुलफिल ऑल माय नीड्स, आराम से कुछ मेरे को देखना भी है तो उसमें बिंज भी कर सकता हूं। अभी तो मेरे पास टीवी, अगर टीवी नहीं होता तो 13.15 इंच इज़ अ वेरी गुड स्क्रीन साइज, इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हो, जो कलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ वर्ल्ड टॉप क्लास वाली जो डिस्प्लेज होती है ना, मतलब उस जैसे इसमें कलर क्वालिटी आ रही है एंड ब्राइटनेस वगैरह भी बहुत बढ़िया है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मॉनिटर। एक बार लाइट इसके साथ लगा के और देख चेक कर लेते हैं, आई विल टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स एंड उस लाइट को अटैच करके देखते हैं एंड देन वी विल रैप अप द वीडियो। अब देखो काम करते करते क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे अंधेरा है, मैं कुछ काम कर रहा तो मेरी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, व्हेन आई टर्न इट ऑन, सो एज यू कैन सी मेरे मॉनिटर के नीचे कीबोर्ड जहाँ पर अगर यहाँ पर रखा हो तो कीबोर्ड पर भी काफ़ी अच्छी सी लाइट आ जाती है, एंड आई कैन चेंज इट्स टोन, लाइक आई कैन मेक इट मोर वाइट इफ आई वॉन्ट एंड आई कैन मेक इट मोर येलो इफ आई वॉन्ट, एंड जिस टाइप का आपको रखना होता है उस टाइप का कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट और कर सकते हैं जिस जगह पे आपको एडजस्ट करना है, अगर स्क्रीन पर ज़्यादा चाहिए तो स्क्रीन पर ज़्यादा कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट थोड़ा सा इसके पास ज़्यादा है तो इसके पास ज़्यादा कर सकते हैं, सो दिस इज़ द मेजर यूज़ ऑफ इट एंड काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, मतलब आप आराम से ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, मोड वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कूल रखना है कूल रख सकते हैं,
इसको बस मॉनिटर पे डिस्प्ले पे करना है या फिर पूरे टेबल पे करना, वो भी कर सकते हैं। सो आई थिंक वेरी यूजफुल। जैसे मैंने माइक्रोफोन अभी ऑफ कर रखा था, अगर मैं इसको अभी ऑन करूंगा, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे आवाज़ आ रही है, एंड आई एम यूजिंग दिस माइक्रोफोन। एज आई टर्न इट ऑफ तो बिल्कुल आवाज़ आनी बंद हो गई, एंड इसके साथ आपको नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाती है, तो आसपास कोई भी नॉइस आ रही होगी इट विल कैंसिल इटसेल्फ, आपको अलग से कोई और लाइक माइक की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस डेस्क सेटअप को और इम्प्रूव करेंगे। एक और न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा कुछ टाइम बाद। सो ये सारी चीज़ें मूव हो जाएंगी प्रोबेबली। सो जब अपना नेक्स्ट जो डेस्क सेटअप बनाएंगे वो इन सबको यूज़ करके कोई मस्त सा बनाएंगे। सो यू कैन डेफिनेटली चेक दीज प्रोडक्ट्स आउट, मेरे को तो काफ़ी अच्छे लगे दोनों एंड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी हैं। यू कैन चेक देम आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।